नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन शेयर्स के बारे में जिसमें आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। साथ ही साथ ये शेयर अगर अभी भी मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मार्केट में गिरावट आता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट होना पड़ेगा, अदरवाइज शेयर में एक बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में है तो आपको रिस्क भी अपना जानना पड़ेगा। विदाउट रिस्क आप स्टॉक मार्केट में इंटर करने के बारे में ना सोचे। तो सबसे पहले हमारा एप्पल इंडिया देखते हैं। एप्पल इंडिया करंट प्राइस है 3835 रुपीज और आज ये 7 रुपीज अप है। अभी भी इसमें जो टारगेट आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर का वो है 4500 का। आपको मतलब आने वाले कुछ ही समय में आपको 4500 का टारगेट इसमें मिल सकता है, लेकिन ये सारा मार्केट के डायरेक्शन पर निर्भर करता है। अभी मार्केट आप देखते हैं कि लोग कहेगा ये मार्केट इतना दूर जाएगा इतना दूर, लेकिन मार्केट लगातार न्यू हाई बनाते जा रहा है। 14000 के लेवल पर हमारा निफ्टी लगभग पहुंच चुका है। तो अगर मार्केट इसी तरह से अप ट्रेंड में बना रहा तो 4500 का टारगेट आपको जल्द इस स्टॉक में मिल सकता है, लेकिन आप स्टॉप लॉस को लगाना मत भूलें। आपका जो क्वांटिटी होना चाहिए वो आपके रिस्क के अनुसार होना चाहिए और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो भी रिस्क के अनुसार होना चाहिए। अगर आप एक शेयर पर 300 का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अगर आप यहां से 700 रुपीज का प्रॉफिट देखते हैं तो आपको 300 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस अपना और जो क्वांटिटी है और जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट को स्टॉक मार्केट में जरूर सीख लें कि आप कितना का रिस्क ले सकते हैं और कितना का आपको प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर जैसे स्टॉक ये आपका प्रॉफिट में जाता है, मतलब ऊपर जाता है, हायर लेवल पर जाता है, तो बस आपको बने रहना इस स्टॉक में। अगर नीचे के लेवल पर आता है तो नीचे के लेवल पर बाय ऑन डिप्स करना है, मतलब एवरेज करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जब स्टॉक नीचे के प्राइस पर आता है, काफी नीचे मिलता है, तो वहां हम बाय ऑन डिप्स करते हैं, मतलब बाय ऑन एवरेज करते हैं। तो एवरेज करते हैं कब इन्वेस्टिंग में, जब स्टॉक काफी नीचे मिला हो लेकिन स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कई सारे वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, इसके फंडामेंटल को और इसके टेक्निकल एनालिसिस को। अगर चार्ट पर देखेंगे टेक्निकल चार्ट पर देख लीजिए स्टॉक कितना सॉलिड है, लगातार इसका चार्ट जो अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो काफी बेहतरीन चार्ट है इसका। वही दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट इंटरमेस, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। इसका करेंट प्राइस है 6275 रुपीज, आज ये 1% से अप है और ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है। इसमें जो आपको टारगेट सुनने मिलेगा 8000 का, 10000 का, तो दोस्तों ये काफी बेहतरीन है। ये बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट आप भी जानते हैं काफी बेहतरीन होता है और इसका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन बिजनेस है, तो काफ़ी बेहतरीन वेबसाइट है। इसके बारे में हमने एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और ये स्टॉक मैंने काफ़ी रिकमेंड किया आपका, जब ये 3000 पे था, 4000 पे था, 5000 पे था, अब तो ये 6000 से भी ऊपर जा चुका है। और जब इसमें गिरावट आता है तो गिरावट भी काफ़ी तेज होती है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर आपका 10 क्वांटिटी लेने का क्षमता है तो आप 5 क्वांटिटी ही अभी लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ से करेक्शन आता है तो इन स्टॉक में भी 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो चार्ट काफी सॉलिड है, यहाँ से देखते हैं लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न देखेगा तो 3 ईयर्स में इसका, मतलब 1 ईयर्स में मात्र देख लीजिए, मात्र 1 ईयर्स में रिटर्न जो है 373% का है। तो काफी बेहतरीन स्टॉक है ये, स्टॉक गिरावट में मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट करें। हमारा जो अगला स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक तो काफी बार मैंने कहा जब ये 8000 पे था उस समय कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि काफी महंगा है, तो आप देख लीजिए महंगे स्टॉक्स और भी महंगे होते जा रहे हैं। ये 4000 पे था उसी समय से मैं लगातार बता रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें काफी कम स्टॉक लिस्टेड है मार्केट में, मात्र 2 से 3 स्टॉक लिस्टेड है, उसमें से एक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। आज भी इसमें जो न्यूज है काफी पॉजिटिव न्यूज है, अगर आप जी न्यूज आज देखे रहते तो वहां पे भी एक मतलब एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काफी बूम आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि हम बायकॉट चाइना कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जो है बायकॉट चाइना कर रहा है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक है उसमें जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि उसको बिजनेस मिल रहा है। हम चाइना के प्रोडक्ट को जैसे बायकॉट करेंगे तो वो
सारा का सारा बिजनेस किसे मिलेगा, जो हमारी इंडियन कंपनियां हैं। तो इंडियन कंपनियों का जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, तो उसका डायरेक्ट फायदा किसे होगा, शेयर होल्डर्स को होगा। तो जब शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो डिमांड जो स्टॉक का बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ा, सप्लाई तो मतलब एक डेफिनेट है, जब सप्लाई सीमित हो, डिमांड बढ़ने लगे तो स्टॉक का प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो स्टॉक का प्राइस सिंपली सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है। जब सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड काफी बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और इसका चार्ट देख लीजिए, स्टॉक का पहले काफी मतलब ये डाउन ट्रेंड में था, देखते हैं स्टॉक ट्रेंड लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन जब से बायकॉट चाइना आया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आया है, आत्मनिर्भर भारत आया है, उस समय से इस स्टॉक में काफी तेजी बनी हुई है। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको गिरावट कभी मिलता है तो आपको बाय करना है, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा मूव कर चुका है। अब तो ये वही बाय कर सकते हैं जिसे रिस्क लेना पसंद है। अगर आपको स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लेना है तो आप किसी भी छोटे से करेक्शन पर आप बाय कर सकते हैं। देखते हैं एक दिन में 800 पॉइंट की तेजी है, 6% की तेजी है, और जितना प्राइस महंगा होता जा रहा है इस स्टॉक में तेजी उतनी ही ज्यादा हो रही है। तो ऐसे स्टॉक जब गिरावट में मिले तब आपको बाय करना है, मतलब इन्वेस्ट करना है। अगला स्टॉक है हमारा एस्ट्राजेनिका। ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज में ये स्टॉक है, कि इस स्टॉक को वैक्सीन का काफी ज्यादा मतलब बेनिफिट होने वाला है। तो ज्यादा बेनिफिट होगा इस कंपनी का तो उसका सीधा मतलब बेनिफिट होगा किसको, शेयर होल्डर को। तो जो वैक्सीन है उसका डायरेक्ट फायदा होने वाला इस कंपनी को। ये एक MNC कंपनी है, तो वर्ल्ड वाइड वैक्सीन का जो फायदा होने वाली है, मतलब जो वैक्सीन लेकर आ रही है ये कंपनी, तो उसका सीधा प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो जिसका मतलब सीधा प्रॉफिट जाएगा शेयर होल्डर के पास। तो इसलिए देख सकते हैं इसका शेयर का डिमांड काफी बढ़ा है और ये शेयर काफी न्यूज में भी है वैक्सीन को लेकर। अभी करंट प्राइस 4477 रुपीज है, और चार्ट की बात करें मैक्सिमम में तो देखते हैं ये स्टॉक काफी जबरदस्त रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 8600% का रिटर्न दिया है 20 इयर्स में। और अभी अगर एक साल में बात करें, एक साल में भी स्टॉक काफी अपट्रेंड में रहा है। एक साल का रिटर्न देखेगा तो 66% का रिटर्न है एक साल में। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें, अगला हमारा स्टॉक है विप्रो। विप्रो का करंट प्राइस है 383 रुपीज़, और ये स्टॉक अभी 80 पैसा अप है, और ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। और ये स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, लेकिन आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न तो काफ़ी ज़बरदस्त है, जो रिटर्न आपको चार्ट पे नहीं दिखेगा। यहाँ जो चार्ट देख रहे हैं आप, चार्ट पे रिटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो रिटर्न देता है वो बोनस के रूप में देता है। ये स्टॉक सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में बोनस देने वाले शेयर में से एक है, विप्रो और इन्फोसिस। और अगर चार्ट पे भी रिटर्न की बात करें, 2006% का रिटर्न आपको दिख रहा है 20 इयर्स में, साथ ही साथ बोनस भर भर के दिया अपने इन्वेस्टर को। तो दोस्तों बोनस क्या होता है, बोनस का क्या बेनिफिट्स होता है, अगर आप मेरे चैनल पर होते हुए भी इसका बेनिफिट नहीं सीखे हैं तो कल के वीडियो में हम आपको फिर से बताएंगे कि बोनस शेयर का क्या मैजिकल रिटर्न होता है, कैसे बोनस शेयर आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई करता है। जैसा कि आपने चार्ट पे देखा, मात्र ये 2600% का रिटर्न दिया है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट के सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक है रिटर्न देने के मामले में। ये शेयर आपको बोनस के रूप में और डिविडेंड के रूप में काफी जबरदस्त रिटर्न देता है। साथ ही साथ इंफोसिस भी इस स्टॉक से पीछे नहीं है। तो विप्रो और इंफोसिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चल रहा है बोनस के देने में, मतलब दोनों एक दूसरे को लगातार टक्कर दे रहा है बोनस और डिविडेंड देने के मामले में। डिविडेंड देने में इंफोसिस ज्यादा बेटर है, और ग्रोथ में भी इंफोसिस ज्यादा बेटर है। साथ ही साथ पिछले 20 साल में, अगर पिछले 25 साल में बात करें, तो बोनस देने में भी इंफोसिस विप्रो से पीछे नहीं है। और साथ ही साथ 20 साल में देखिएगा 10,000% का रिटर्न है, और साथ ही साथ बोनस भी काफ़ी भर भर के दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर वन ईयर का भी बात करें तो वन ईयर में भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है, 70% का रिटर्न। तो दोस्तों जो विप्रो है, इन्फोसिस है, ये लाइफ टाइम रखने वाला शेयर है, अपने पास लाइफ टाइम इसे रख सकते हैं, ऐसा ये शेयर है। तो ऐसे बेहतरीन शेयर जब भी गिरावट मिलता है तो बाय ऑन डिप्स कीजिए, आँख बंद करके आप इंफोसिस और विप्रो में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हमेशा ये आपको प्रॉफिट देगा। तो जब भी गिरावट मिलता है तो बस आपको दबोच लेना है, गिरावट मिलता है बाय ऑन डिप्स करना है, जितना मन हो उतनी क्वांटिटी में इन सारे शेयर को बाय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस पे और जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, कौन सा मतलब बिजनेस अभी डिमांड में है, ये बिजनेस जो है कौन सा साइकिल में चल रहा है। जैसे अभी IT सेक्टर काफी अपट्रेंड में है, मतलब IT सेक्टर का जो स्टॉक है काफी अपट्रेंड में, तो इसका जो साइकिल अभी है काफी पॉजिटिव साइकिल में है। तो सारे के सारे जो IT सेक्टर स्टॉक है काफी मोमेंटम कर रहे हैं।
तो इन सब बातों को आपको ध्यान बनाए रखना है। पहला है ब्रिटेनिया। जैसे ब्रिटेनिया हम बात करते हैं, ITC बात करते हैं, HUL बात करते हैं, ये सब FMCG सेक्टर के अच्छे स्टॉक है। डाबर हो गया, कोलगेट हो गया, जो ITC स्टॉक है उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, लेकिन दोस्तों याद रहे ITC विप्रो की तरह धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक है और काफ़ी अच्छा बोनस दे देते हैं अपने इन्वेस्टर को। तो विप्रो हो गया, ITC हो गया, इन्फोसिस धीरे धीरे चलता है लेकिन दोस्तों भर भर के बोनस देता है अपने इन्वेस्टर को। साथ ही साथ जो ब्रिटेनिया है, HUL हो गया, डाबर हो गया, कोलगेट, ये सब भी धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक है, मतलब कछुए की चाल से चलता है लेकिन हमेशा अपने इन्वेस्टर को अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। देख सकते हैं ये स्टॉक में कभी भी आपको भारी गिरावट, मतलब टेक्निकल चार्ट कभी भी वीक आपको नहीं दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी वीक चार्ट आपको नहीं दिखेगा, तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। और यहाँ पर देख लीजिए 6000% का रिटर्न है 20 ईयर्स में, और ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 3.27% का, तो ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म में चाहें तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो ये सारे स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस बाय करना है और बने रहना है स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए और इन्जॉय करना है। कभी भी पैनिक नहीं होना गिरावट के कारण। जब भी गिरावट आता है, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो बाय ऑन डिप्स करना है, ना कि गिरावट में बेचना है। तो गिरावट में बेचने की गलती कभी ना करें, क्योंकि हम भी कई बार इंफोसिस में मिस्टेक कर चुके हैं। इंफोसिस के शेयर जब गिरावट आया तो मैंने उसको बेच दिया, जैसे मतलब हमने उसमें बाय किया था तो 950 पे गया, मैंने उसको सेल कर दिया, जिसके बाद मुझे काफ़ी पछतावा हुआ क्योंकि वो 1200 के आसपास जा चुका है शेयर। तो दोस्तों इस तरह का गलती आपको नहीं करना है, जो अच्छे शेयर है उसमें हमेशा के लिए बने रहना है, तब आपका अच्छा यहाँ पर वेल्थ क्रिएट होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर